हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग डेट को देखने वाले हैं, तो हम लोग समझेंगे कि कैसे जो डेट है उसको हम लोग अपने जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाते हैं, एंड किस तरीके से, किस फॉर्मेट से हम लोग उसको यूज करते हैं। तो फिर बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने वीएस कोड पर। एंड यहाँ पर एक मैं नई फाइल बनाता हूँ और date.html नाम है, एंड यहाँ पर अपनी बॉयलरप्लेट डाल दूंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसके अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। एंड इसको रन करने के लिए मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा जो यहाँ पर ब्राउजर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसोल खोल लेते हैं जिससे यहाँ पर हम लोगों को सब कुछ दिखेगा जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो रन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखो हाई लिख के आया है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यू कीवर्ड से डेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये सिंटेक्स लिखा है इससे हमारे पास एक डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग किसी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट डेट। अब यहां पर इस डेट में हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या हम लोगों को प्रोवाइड करता है, किस तरीके से ये सिंटैक्स या फिर फॉर्मेट देता है हमारे डेट का। हम लोगों ने अभी एक वीडियो बनाई थी इसमें जो डिजिटल क्लॉक, इसमें हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट का यूज किया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने यूज किया था, मेथड्स यूज किए थे या फिर कोई प्रॉपर्टीज यूज किए थी, तो किस तरीके से यूज करी गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, console.log एंड यहाँ पर इस डेट को रख देंगे। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर देखो ये इस तरीके की मेरे पास एक स्ट्रिंग आई है, ठीक है। तो ये जो हम लोग यहाँ पर न्यू एंड डेट ऑब्जेक्ट से क्रिएट करे हैं, तो इससे हम लोगों को ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो मिली है। तो यहाँ पर हम लोगों को संडे February 18, 2024 एंड यहाँ पर टाइम एंड जो ये इनका टाइम जोन है वो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो कोई भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो डेट है इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम लोग console.log लगाते हैं एंड यहाँ पर टाइप ऑफ एक कीवर्ड होता है जिसका यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का टाइप। तो यहाँ पर हम लोग उसका नाम लिखेंगे जो हम लोगों ने डेट लिखा था। तो यहाँ पर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब उसके बाद हम लोग इसके मेथड्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ console.log एंड यहाँ पर डेट लिखता हूँ एंड यहाँ पर जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं या मेथड्स हैं वो यहाँ पे हम लोगों को वीएस कोड के सजेशन में दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर गेट डेट है, गेट डे है, गेट फुल ईयर है, गेट आवर्स है, मिली सेकेंड, मिनट्स, मंथ, सेकेंड्स, गेट टाइम एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैथड्स हैं जिससे हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो डेट है वो हम लोग फॉर्मेटेड पा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हम लोगों को स्ट्रिंग मिली है, अब इसको क्या हम लोग टू स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है। अब यहाँ पर मैं क्या इसको टू स्ट्रिंग कर सकता हूँ, स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने console.log किया एंड यहाँ पर इस सेम उसी तरीके की जिस तरीके से हम लोगों ने डेट को प्रिंट किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो डेट है वो आ गई। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं टाइप ऑफ डेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग आ रही है, अभी क्या था ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको टू स्ट्रिंग में चेंज कर दिया तो इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया है। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो डेट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं और भी इसमें मेथड्स हैं स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं टू डेट स्ट्रिंग, टू आईएसओ स्ट्रिंग, जेसन, लोकेल डेट स्ट्रिंग, लोकेल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा सबसे पहले टू लोकेल स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर देखो मैं इसको ये मेथड है इसलिए इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रिंग आई है जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया था, तो इस तरीके से ये
हमारे जो टाइम है वो आ रहा था, लेकिन हमने टू लोकेल स्ट्रिंग का यूज करके एक फॉर्मेटेड तरीके से अपनी जो डेट है उसको प्रिंट कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आई। और भी कुछ मैथड्स होते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डॉट टू लोकेल डेट स्ट्रिंग, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं। एंड यहाँ पर देखो हम लोगों को सिर्फ डेट मिल गया। उसी तरीके से और भी इसमें मैथड्स होंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैं डेट डॉट टू आई एस ओ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग चेक करते हैं, मैं सेव करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग आई है। तो यहाँ पर इन तरीके से हम लोग अपने डेट को जो फॉर्मेटेड तरीके से पा सकते हैं। एंड कुछ और मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट। एंड यहाँ पर क्या करते हैं कि डेट डॉट टू इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने टू डेट स्ट्रिंग देख लिया, आईएसओ स्ट्रिंग देख लिया, टू लोकेल डेट लोकेल स्ट्रिंग एंड टू स्ट्रिंग को देख लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने टू डेट स्ट्रिंग को देखा था, अब यहाँ पर देखो टू टाइम स्ट्रिंग हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी कॉल किया क्योंकि मैथड है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हम लोगों को जो हमारा डेटा है जो डेट डॉट टू टाइम स्ट्रिंग से हम लोगों को इस तरीके से मिला। यहाँ पर हम लोगों को टाइम मिल गया है, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग और भी मैथड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, डॉट लगाता हूँ। टू यहाँ पर देखो और भी मैथड्स हैं, टू यूपीसी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। और एक और मैथड था टू गेट टाइम जोन ऑफसेट, तो यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम मैं करता हूँ सेव। एंड यहाँ पर देखो यूटीसी स्ट्रिंग से हम लोगों को ये मिला जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है। एंड टाइम जोन ऑफसेट, हम लोगों को टाइम जोन का जो ऑफसेट है वो हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है। अब इनको मैं यहाँ पर करता हूँ कमेंट। कुछ और यहाँ पर हम लोग मैथड्स देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर डेट को निकाला है, निकाल के देखा है कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग टाइम को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ। अब ये डेट यही वाला है जो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, अब इसको हम लोग दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर डेट डॉट गेट डेट, तो गेट डेट से हम लोगों को क्या मिलेगा, आज की जो करंट डेट है वो यहाँ पर 18 फरवरी है, तो यहाँ पर मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग गेट डे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को जीरो मिल रहा है। अब यहाँ पर जीरो क्यों मिल रहा है, डे हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ पर हम लोगों को जीरो क्यों मिल रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो ये वीक्स का नेम होता है वो संडे से स्टार्ट होता है। एंड जावा स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर इसकी जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को जीरो मिल रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर गेट मंथ निकालें, ठीक है, तो आप लोग देखो ये भी ये हम लोगों को वन मिल रहा है, ठीक है। तो वन क्यों मिल रहा है जबकि अब यहाँ पर फेब्रवरी चल रहा है, लेकिन वन क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मंथ होता है उसका भी जो काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, एज ए इंडेक्स स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को फेब्रवरी के लिए वन मिल रहा है। अगर हम लोग इसको डे के लिए करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, प्लस वन ऐड कर दें, तो यहाँ पर हम लोगों को उसी तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर 18 हम लोगों को क्या जो डेट मिल रही है और डे मिल रहा है वो संडे है, वन हम लोग समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर गेट मंथ के लिए सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर मैं इनको कर देता हूं कमेंट, ठीक है। अब यहां पर मैं कंसोल डॉट लॉग फिर से करता हूं, मैं डेट लिखता हूं एंड यहां पर डॉट लगा के हम यहां पर देखेंगे गेट फुल ईयर, ठीक है। हम लोगों को जो हमारा इस टाइम ईयर चल रहा है उसको हम लोगों को गेट करना है, तो यहां पर गेट फुल ईयर लिखेंगे, सेव करेंगे, तो आप लोग देखो यहां पर 2024 मिल रहा है, वो हम लोगों को यहां पर मिला। अब यहां पर हम लोग चाहें तो और भी यहां पर गेट टाइम, तो यहां पर हम लोगों को टाइम मिल गया है। अभी टाइम हम लोगों को मिली सेकंड में मिला है इसलिए इतना लंबा चौड़ा लिख के आया है। तो यहां पर हम लोगों को टाइम मिल गया एंड उसके बाद यहां पर कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पर डेट डॉट। अब यहां पर देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, मिली सेकंड, गेट मिनट्स, गेट मंथ, गेट सेकंड, टाइम, एंड इस तरीके से हम लोगों ने भी देखा है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं गेट और गेट ऑर्स देख लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको अभी के लिए कमेंट करता हूं एंड यहां पर करता हूं सेव। तो यहां पर देखो 13 हम लोगों को मिल रहा है। अभी यहां पर 1:48 हुआ है, तो यहां पर हम लोगों को 13 मिल रहा है। एंड उसी तरीके से हम लोग यहां पर गेट मिनट्स कर सकते हैं,
ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या सेकेंड्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 13 एंड 48 जो मिनट है, एंड यहाँ पर जो सेकेंड हो 35 मिला है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर 41 हो गया है। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर क्लॉक बनाई थी, ठीक है, जो ये वाली क्लॉक हम लोगों ने बनाई थी, तो इसमें हम लोगों ने 11:42 जो 55 लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्मेटेड तरीके से दिखाया था। अब अगर हम लोगों को इसको यहाँ पर दिखाना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉक कर सकते हैं, एंड यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑर्स को कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर अपना जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसको लगाऊंगा, एंड उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा, फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनट को। तो यहाँ पर मैं मिनट लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स ज्यादा हो गया, एंड इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं सेकेंड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कॉलन लगाएंगे एंड यहाँ पर इस तरीके से सेव करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को एक फॉर्मेटेड टाइम हम लोगों को मिल गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टाइम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 13 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो हमारी डेट ऑब्जेक्ट है होता है वो 24 आवर्स की होती है। हम लोगों ने इसमें देखा था कि कैसे हम लोग 24 को अपने 12 आवर्स की टाइमिंग में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टाइम दिखा सकते हैं। अब डेट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम लोगों ने उसके बारे में बात की, एंड यहाँ पर एक फॉर्मेटेड डेट भी हम लोगों ने दिखाई है। तो इस तरीके से हम लोग डेट ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन कर सकते हैं एंड अपने एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, हो सकता है हम लोगों को कभी जरूरत पड़ जाए कि ये जैसे अभी यहाँ पर देखो हम लोगों ने वीडियो अपलोड करी थी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 1 month ago, 5 month ago, 6 month ago, तो ये सब इस डेट ऑब्जेक्ट के कारण ही आता है कि कब ये, जैसे हम लोग चैनल क्रिएट करते हैं कि कब क्रिएट हुआ, उसके भी डेट दिखाना पड़ सकता है। अब जैसे हम लोग अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें कोई हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यूजर कब रजिस्टर हुआ, वो टाइम उसका डेट एंड वो नाइट था या डे था, एंड कब लॉगिन हुआ, कब उसने कोई मतलब जो चीजें हो परचेस करी, जैसे हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें वो परचेस करेगा कब, कोई भी डिफरेंस दिखाना हो सकता है। जैसे हम लोग बुकिंग का कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो वहां पर चेक इन डेट एंड चेकआउट डेट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, एंड उसके बीच में डिफरेंसेस हो सकता है कि कितने दिनों का डिफरेंसेस है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस डेट ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।